हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिक्स क्लास। सो वी वर डूइंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, द टाइप ऑफ चार्जेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल। आफ्टर दिस वी वर डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट अस स्टार्ट विद पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, सपोज यू हैव अ चार्ज। अ चार्ज कैन एग्जर्ट इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज टू अ सर्टेन डिस्टेंस। मीन्स एक चार्ज है, उसकी किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाने की एक सर्टेन डिस्टेंस तक की रेंज होती है कि वहीं तक वो लगा सकता है, उस रेंज के बाहर वो एप्लीकेबल नहीं है फोर्स लगाने के लिए। दैट स्पेस अराउंड अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। सपोज वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू। दिस चार्ज कैन एग्जर्ट फोर्स अप टू दिस स्पेस ओनली अराउंड द चार्ज। इट मीन्स इफ एनी अनदर चार्ज इज आउट ऑफ दिस एरिया, दिस प्लस क्यू चार्ज विल नॉट बी able to exert force on that charge which is outside the area. This space is called electric field. This space is called electric field. तो electric field का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक charge के around वो space जहाँ तक एक charge अपना electric force किसी दूसरे charge को feel करवा सकता है, okay? That मतलब उसकी जो range होगी जहाँ तक वो feel करवा सकता है, that space is called electric field. That space is called electric field. Now, what we want to calculate? We want to calculate the electric potential. An electric potential is always calculated at a point which is inside, well inside the electric field. Means electric field हम उसी point पे निकाल सकते हैं जो electric field के अंदर होगा. Suppose P is a point where we want to calculate electric potential. What is the method to calculate the electric potential? What you have to do? Suppose you have 1 coulomb of charge at infinity. Suppose you have 1 coulomb of charge at infinity. What you have to do? Bring 1 coulomb of charge from infinity to that point which is well inside the electric field. Means infinity pe 1 coulomb ka charge hai. Us 1 coulomb ke charge ko infinity se utha kar एक पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वहां तक आपने लेके आना है। एंड सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विच इज वेल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट वेयर यू आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी। द वर्क डन, so work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field, that work done is called electric potential of that point. वो उस point का electric potential कहलाता है जिस point पे आप charge को लेके आ रहे हो। so now what we are doing, writing the definition of electric potential. work done in bringing 1 coulomb of charge, work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field. 1 coulomb of charge को infinity से लाकर electric field के अंदर किसी भी point तक लाने में जितना आपको work done करना पड़े, that work done is called electric potential of that point. वो उस point का electric potential कहलाएगा, okay? Now what is the formula for calculating the work done, or you can get potential. Formula for electric potential is
फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय में चार्ज. फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय में चार्ज. इट मीन्स अगर आप मान लो 10 कूलम का चार्ज उठा के लेके आ रहे हो, 10 कूलम को लाने में वर्क डन 50 जूल करना पड़ रहा है, तो एक कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा, 50/10. तो एक कूलम का चार्ज वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड करना पड़ा. दिस इज द मेथड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय में चार्ज. टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंबॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी, वर्क डन इज डब्ल्यू, चार्ज इज क्यू. अच्छा, ये चार्ज क्यू तो है, वो चार्ज जो सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आप चार्ज लेके आ रहे हो उसको मैंने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करना है. इसको प्लस क्यू तो हो गया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो चार्ज आप लेके आ रहे हो वो स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो स्मॉल क्यू से डिवाइड करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेल इनसाइड अ पॉइंट विच इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ वी आर डिस्कसिंग एसआई यूनिट. एसआई यूनिट पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट. एंड व्हाट अबाउट वर्क डन, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल. एंड व्हाट अबाउट चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट हमने स्टडी किया पीछे, दैट इज कूलम. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल पर कूलम. 1 वोल्ट को हम 1 V भी लिख सकते हैं, स्मॉल V, 1J बाय में 1C. जो पोटेंशियल है उसका सिंबल भी वी है, दैट इज कैपिटल वी से डिनोट करना. जो उसकी एसआई यूनिट है वोल्ट, उसका सिंबल भी वी है, लेकिन आप उसको स्मॉल वी से डिनोट कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है. ओके, ड्यू टू सम रीजन आई हैव टू चेंज द पोजिशन, सो आई हैव टू चेंज द बोर्ड, सो continue from this. Okay, as we have completed the topic potential, what is electric potential, work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field, that is called potential. Okay, of that point. But now what we are studying now, topic is potential difference. After this potential topic, now the topic is potential difference. Potential difference is the same term relating to the potential, but there is a difference. Okay, now what we are doing, suppose what we are doing, that this is the source charge, this is the electric field. पढ़ा हमने potential में, अभी electric field होता है जहां तक वो charge force लगा सकता है. अगर हमने potential निकालना तो हम क्या करते हैं, 1 coulomb का charge infinity से उठा के point तक ले आते हैं, जो point electric field के अंदर है, जितना आपको work done करना पड़े, that is electric potential of this point. बट अगर हमने पोटेंशियल की बजाय, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करना वही पड़ता है, 1 coulomb का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, बट दोनों पॉइंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए. सपोज दिस इज द पॉइंट एस एंड दिस इज द पॉइंट पी. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, 1 coulomb का चार्ज एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं. 1 coulomb का चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं. तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा अब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो व्हाट डेफिनेशन ऑफ दिस, वर्क डन इन bringing 1 coulomb of charge from one point to another in electric field. Electric field के अंदर ही एक से दूसरे point तक 1 coulomb charge को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, that is called potential difference. Clear? Formula will be same. Potential difference we can write it as PD. This is potential difference. That is same. That is work done by me charge. Potential difference is work done by me charge. But simply, जो potential था उसको हम V से लिखते थे. Potential difference है तो दो point के बीच का हुआ. It means V2 minus V1.
पोटेंशियल ऑफ सेकेंड पॉइंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट. पोटेंशियल ऑफ सेकेंड माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. सो वर्क डन बाय में चार्ज, जितना भी चार्ज आप लेके जाओगे, या तो 1 कूलम ले जा रहे हो, 10 कूलम ले जा रहे हो तो 10 से डिवाइड करोगे, 100 निकालना, 100 ले जा रहे हो तो 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 1 कूलम का अपने आप ही वर्क डन आ जाएगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाय क्यू, वर्क डन बाय चार्ज. ऐसा यूनिट भी सेम रहती है, दैट इज वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या रहती है, सेम, दैट इज ऑल्सो वोल्ट. और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको वोल्टेज भी कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज. ओके, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. लेट अस डिस्कस न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल इज फाइंड द वर्क डन, बट वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल आस्क दैट वट विल बी द वर्क डन. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम. सो चार्ज गिवन इज 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट पॉइंट एक दे रखा, उसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट. टू अ पॉइंट सेकेंड पॉइंट तक ले जाना, उसका पोटेंशियल है 320 वोल्ट. 220 वोल्ट वाले पॉइंट से 320 वोल्ट वाले पॉइंट तक आपने चार्ज को उठा के लेके जाना है. सो वट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. सो इट मीन्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू दैट इज 100 वोल्ट. दोनों में जो डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 100 वोल्ट आ गया. तो फॉर्मूला क्या होता है, वट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाय चार्ज. सो V2 माइनस V1 इज V2 माइनस V1 कितना है, 100 है. W हमने कैलकुलेट करना है, चार्ज 3 कूलम है. सो 3 अगर इधर मल्टीप्लाई करें, सो वर्क डन विल बी 300 जूल. वर्क डन विल बी 300 जूल. तो 300 जूल वर्क करना पड़ेगा अगर आप 3 कूलम के चार्ज को 220 वोल्ट वाले पॉइंट से 320 वोल्ट वाले पॉइंट तक ले जाना चाहते हो. सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लगा सकते हैं, उसका सोर्स क्या है? किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने लगाना है तो वी यूज बैटरी. बट वी यूज बैटरी, जो हमारे पास बैटरी सेल होता है, रिमोट में हम सेल लगाते हैं, तो वो एक सेल है. सेल अगर ग्रुप ऑफ सेल्स आप लगाते हो, सेल एक से ज़्यादा लगाते हो, इट बिकम्स अ बैटरी. वो क्या बन जाती है, एक बैटरी. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? हम किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे कैसे? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेल और बैटरी. अगर आप किसी भी सर्किट में सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएगा, क्योंकि इसका टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो एक का हायर पोटेंशियल होगा, एक का लोअर होगा. सो देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिक करंट. इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. एक कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितने चार्जेस फ्लो करके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक करंट. एक सेकंड में अगर 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो 10 एम्पियर करंट है. एक सेकंड में अगर 100 कूलम का चार्ज फ्लो करके जा रहा है तो वो क्या है, 100 एम्पियर का करंट हुआ. तो इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज बाय में टाइम. इसका कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और उन चार्जेस को फ्लो करने में कितना टाइम लगा है. मान लो 10 सेकंड में 100 कूलम चार्जेस जा रहे हैं, सपोज 10 सेकंड में कितने हैं, 100 कूलम चार्ज जा रहे हैं, तो 1 सेकंड का कैसे निकालोगे? 1 सेकंड में क्या करोगे, 100 बाय में 10, टोटल चार्ज को आपने टोटल टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड किया, देन वी विल गेट द 1 सेकंड में कितने चार्जेस जा रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास. और 1 सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक करंट. तो 1 सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक करंट. उसका जो फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है, दैट इज आई.
चार्ज का सिंबल होता है क्यू और टाइम का सिंबल टी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी. आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी. अब बात आती है, अभी ये करंट का फॉर्मूला है, एस यूनिट भी होगी इसकी कहीं ना कहीं. तो आई की जो एस यूनिट की अगर हम बात करें, आई की जो एस यूनिट है दैट इज एम्पियर, ए एम पी ई आर ई, सिंबल ए होता है. तो करंट को जब हम मेजर करेंगे, एम्पियर एस यूनिट होती है, एम्पियर में हम उसको मेजर करेंगे. सो चार्ज की हमें एस यूनिट पता ही है, दैट इज कूलम्ब होती है, सी. और टाइम की भी हमें पता है, दैट इज सेकेंड होती है, और सिंबल होता है एस. सो वन एम्पियर विल बी वन कूलम्ब पर सेकेंड. एक एम्पियर करंट हम कब कहेंगे? जब एक सेकेंड में एक कूलम्ब का चार्ज किसी भी कनेक्टर में चल रहा हो, देन करंट विल बी वन एम्पियर. देन करंट इन द सर्किट विल बी वन एम्पियर. वन एम्पियर करंट कब होगा? जब एक कूलम्ब का चार्ज एक सेकेंड में अगर फ्लो कर रहा हो, दैट इज वन एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दैट सर्किट. ओके, तो करंट मतलब चार्जेस चलते कैसे हैं, वो क्वेश्चन है. जो हमने बैटरी लगाई है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है? पोटेंशियल डिफरेंस का काम है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाना? फ्लो करवाना. कैसे होता है सारा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं. ये कंडक्टर है, मान लीजिए इसमें कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है. ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल होता है. एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही पड़े, हर एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेगेटिव, ये नेगेटिव सेकंड है, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव. नेगेटिव वैल्यू कम होती है, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है. तो जो एंड नेगेटिव से कनेक्ट है वो लो पोटेंशियल का हुआ, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो हायर. ये लो पोटेंशियल और ये होगा हायर पोटेंशियल पे. तो चार्जेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलने लग जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलेंगे? लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेंगे, इधर आएंगे. करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट चलता है. करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से क्या चलेगा? अपोजिट. तो करंट इधर जाएगा कंडक्टर में. सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी. इसलिए अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, दो तरीके से हम बता सकते हैं करंट के डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ आई, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चलता है. इधर पॉजिटिव से चलेगा ऐसे, इधर से इलेक्ट्रॉन से अपोजिट चलता है, इधर आएगा करंट. करंट को शो करने के लिए आपको एरोज लगाने पड़ते हैं. इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चलता है. या आप और क्या बोल सकते हो? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव. और करंट कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ये आप करंट की डायरेक्शन बता सकते हो. करंट को मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट में हम लगाते हैं एमीटर, मेजर्ड बाय एमीटर. ऑपरेटर्स का क्या नाम है? एमीटर. जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया था, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर होता है. अभी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ऑपरेटर्स का नाम है वोल्ट मीटर. ऐसे करंट को मेजर करने के लिए जो ऑपरेटर्स है दैट इज एमीटर. वोल्ट मीटर का सिंबल होता था सर्कल लगा के उसमें वी लिख दो. सर्कल लगाया और उसमें क्या लिख दो? वी. वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा. और एमीटर का जो सिंबल होता है सर्कल लगा के उसमें ए लिख दो, दैट इज एमीटर. सर्कल लगा के आप उसमें ए लिख देते हो तो वो क्या आएगा? एम मीटर बनेगा, मेजर्ड बाय एमीटर. एमीटर करंट मेजर करेगा भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है. ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे. वी हैव कवर्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इट कैन बी मेजर्ड. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टुडेज कॉन्सेप्ट. सो डू प्रैक्टिस, डू प्रिपेयर नोट्स. सो टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.